आ इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, पुल की रेलिंग तोड़कर 60 फीट नीचे खाई में जा गिरी तेज रफ्तार कार। रामकोट थाना इलाके के पेराई नदी पुल पर हुआ दर्दनाक हादसा। दर्दनाक हादसे में मारुति नेक्सा के जीएम की मौत, चालक गंभीर। बरेली से सीतापुर आते समय हुआ दर्दनाक हादसा। 60 फीट ऊंचाई से गिरी कार, एक की मौत, एक घायल। ऊंचाई से नीचे गिरने से कार के उड़े पर खच्चे। रामकोट थाना इलाके में नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। अतुल दीक्षित पुत्र ब्रह्मा शंकर दीक्षित के रूप में हुई मृतक की पहचान। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अनियंत्रित हो गई थी कार। जान बचाने के लिए कार का गेट खोलकर कूद गए थे अतुल दीक्षित। करीब 60 फीट की ऊंचाई से पुल से नीचे गिरे अतुल। अतुल दीक्षित के ऊपर पीछे से जा गिरी कार, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कार में ड्राइवर सौरभ और जीएम अतुल दीक्षित थे सवार। अतुल दीक्षित की हुई मौत, ड्राइवर सौरभ हुआ गंभीर रूप से घायल। तिलक नगर थाना कछौना हरदोई का रहने वाला था मृतक। मारुति नेक्सा के जीएम में कार्यरत थे अतुल दीक्षित। सुबह तकरीबन 6 बजे की बताई जा रही घटना। 6 माह पूर्व इसी पुल से गिरकर युवक राजीव वर्मा की हो चुकी है मौत। युवक की कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर जा गिरी थी नीचे। हादसे के बाद बेटे को देख बदहवास हुए माता पिता। जिला अस्पताल पहुंचे मृतक अतुल दीक्षित के ताऊ पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश मिश्रा ने किस पर लगाया लापरवाही का आरोप, आप भी सुने। और ये घरेलू से ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं। और ये कई नदी का पुल कहा जाता है, कभी निकट जिला भाव इसकी बाउंड्री न होने की वजह से ही शायद ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी इसका कई हादसे हो चुके हैं। पुल बन जाता है शायद होता है। क्या नाम था इनका जिनकी आज क्या उम्र थी इनकी? लगभग कितने समय से कार्यरत? आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश मिश्रा। आप उनके कौन थे? जिला अस्पताल पहुंचे कॉन्सेप्ट कार्स के मालिक संजीव अग्रवाल ने दी जानकारी। हमें तो सवेरे फोन लिया तो कहीं बरेली में अच्छे जान थे काम बरेली गए थे और रात से लौट रहे थे और बरसात हो रही थी। मैंने भी पता नहीं कहाँ कौन से पुल पर हुआ। सराय नदी पर उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और खड्डे में गिर गई 50 फीट नीचे और वो गाड़ी में तो नीचे दब गए और उनकी डेथ हो गई। हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे परिवार के बड़े अच्छे सदस्य थे और बहुत दिनों से। सर लगभग कितने समय से आपके यहाँ कार्यरत थे? 14 से। आपका शुभ नाम? संजीव अग्रवाल। हादसे को लेकर कार चालक ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये लसिया पार्क के पहले उस साइड में जो पुल है वो पुल पर हुई है बैरिंग तोड़ के गाड़ी नीचे गिरी है जाके। और जी हम सब रात में थोड़ा ड्रिंक किए हुए थे, उसी ड्रिंक के नशे में गाड़ी जो है सीधे तोड़ के नीचे गिरी है जाके। जी हम सब उसमें से गेट खोल के कूदने का प्रयास किया, कूदने के प्रयास में वो गाड़ी के नीचे दब गए और हम गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। हमने सीट बेल्ट लगा रखी थी तो उसके लिए हम गाड़ी में फंसे रहे थे, जिससे मेरा पैर टूट गया। और जी हम सब ने कूद के जो मतलब किया उससे भी गाड़ी में दब गई नीचे। तो क्या ये किसी को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी थी या फिर अचानक ऐसी? नहीं नहीं, गाड़ी ओवर स्पीड थी। ओवर स्पीड थी। अच्छा, तो इसमें कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? दो ही लोग हम बैठे थे। जी गाड़ी चला रहे थे। तो आप लोग कहाँ से आ रहे थे? बरेली से। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? सीतापुर आ रहे थे। तुम्हारा नाम? शुभम शुक्ला। पता है ये घटना रात के लगभग 2:30 बजे की और 2:30 बजे की रात की है। और उसके बाद मैं रात भर पड़ा रहा और कोई मदद के लिए नहीं आया। सुबह कुछ लोग अपने खेत देखने के लिए आए थे तो पुल से नीचे देखा कि एक गाड़ी खड़ी, उन लोग आए थे आके मेरी मदद किया। उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस आई, उसके बाद 100 नंबर आई तो मुझे पता चला। जी एस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंदी लहरपुर रोड सीतापुर 2023-24 के लिए
प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।